हेलो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट टेबल बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। आप 4 से 5 मिनट में ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। आपकी कोई भी तैयारी ना हो, फिर भी आप ये नाश्ता झटपट बना के सर्व कर सकते हैं। अगर घर में कोई आने वाला हो तब भी अगर इस नाश्ते को आप बना के उनको सर्व करिए, उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि ये हेल्दी वर्जन है। कई बार हमने उपमा सुना जरूर होगा, मगर हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ये उपमा लगता कैसा होगा, कैसे बनेगा, अच्छा लगता है कि नहीं। ये सारे कन्फ्यूज़न आज क्लियर हो जाएंगे क्योंकि जो मैं रेसिपी आपको बताऊंगी वो डेफिनेटली बहुत ही टेस्टी बनेगी और ये वेजेस लोडेड है तो ऑलरेडी इतना हेल्दी होगा कि आप जब बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि सच में तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए हम बनाते हैं अपना डिलीशियस ईजी उपमा रेसिपी। तो जिसके लिए कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लीजिए, ऑलिव ऑयल लीजिए, मूंगफली का तेल लीजिए, आपके ऊपर है। इस तेल में हम 1 कप मूंगफली मतलब पीनट्स ऐड करेंगे और अच्छे से हमें इन्हें रोस्ट करना है गोल्डन होने तक। क्रंची होनी चाहिए हमारी मूंगफलियाँ, इस हिसाब से हमें इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। इट्स परफेक्टली हमारी रोस्ट हो चुकी है। इन्हें हमने एक स्टेनर में निकाल लिया है जिससे तेल पूरा निकल जाए। अब एक कढ़ाई या पैन लीजिए जिसमें 1 छोटा चम्मच ऐड करिए देसी घी और इसमें हम ऐड करेंगे नॉर्मल घर वाली जो कटोरी होती है बस उसी नाप से 1 कटोरी सूजी। सूजी से ही तो उपमा बनता है, तो 1 कटोरी सूजी लीजिए। आप मोटी भी ले सकते हैं, महीन भी ले सकते हैं। सूजी लेने के बाद सूजी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। और एक बात ध्यान रखनी है, सूजी को भूनते समय हमें सूजी को भूनना है मगर लाल नहीं करना है। लाल सूजी का उपमा अच्छा नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्डन होने से पहले मतलब लाइट पिंक से पहले ही हमें सूजी को भूनना बंद कर देना है। हमारी सूजी भून चुकी थी, एक बर्तन में मैंने निकाल ली है। जिस पैन में आपने सूजी भुनी थी उसी में 1 बड़ा चम्मच तेल लीजिए, 1/2 छोटा चम्मच काली सरसों, 10-12 करी पत्ते, 1 लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग का तड़का लगाइए। जब ये सब चीज़ें क्रकल होने लगेंगी तब हम इसमें 3-4 कटे हुए लहसुन के टुकड़े ऐड करेंगे। काट के जो लहसुन की कलियाँ होती है उसे काट के ऐड करिए। इन्हें मिर्च के साथ 2-3 मिर्च के साथ अच्छे से भून लीजिए। मिर्च भी छोटी छोटी हरी काट ली थी मैंने। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने क्यूब साइज़ में मतलब छोटे छोटे साइज़ में छोटे छोटे पीसेस में कट करके उन्हें ऐड करके हमें गोल्डन होने तक प्याज को भून लेना है। बिल्कुल लाल वाला कलर नहीं करना है, पिंकिश जो कलर होता है ना बस वही कलर। ये तेल वही है जिसमें हमने मूंगफली भुनी थी, तो उसी तेल को मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। अब हमें इसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स, इसमें कैप्सिकम, कॉर्न पीस और बीटरूट मतलब मटर है, फ्रोजन कॉर्न है, 1 बीटरूट लिया है मैंने छोटी सी, और 1/2 गाजर ली है मतलब 1 छोटी गाजर लगभग। इन सब चीज़ों को भी मैंने बिल्कुल चौकोर शेप में कट कराया है छोटे छोटे पीसेस में। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे पहले हम इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे ढक के पका लेंगे जिससे हमारी जो सब्जियां हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। हमें सब्जियां गलाना नहीं है, सिर्फ लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जियां गलनी नहीं चाहिए, क्रंची रहनी चाहिए। तो 1.5 मिनट हो चुका है, कुक खोल के देखते हैं। बढ़िया, हमारी सब्जियां बिल्कुल कुक हो चुकी हैं। इन्हें हम हल्के से और थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम पे ला के भून लेंगे। ये सब्जियां टेक्सचर आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी गली नहीं दिख रही है, एक एक सब्जी अलग अलग दिख रही है, बस इसी टेक्सचर में हमें सब्जियों को रखना है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से आपके उपमा का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हल्दी को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करिए जिससे हल्दी का कलर अच्छे से सब्जियों में आ जाए। अब हम इसमें जो हमारी भुनी हुई सूजी थी उसे पूरी सूजी ऐड कर देंगे और सूजी सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे
और साथ में इन दोनों को भूनेंगे थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पे। देखिए हमने हल्दी भी डाली है, सब्जियां भी डाली हैं और सूजी भी डाली है। ये सब चीज़ें अच्छे से असेंबल होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए। इसे एक साथ सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे भी। इससे सूजी का जो टेक्सचर होता है बहुत बढ़िया आता है। इसी समय हमने पानी भी गर्म करने रख दिया था, तो हल्का गुनगुना पानी हमें सूजी में ऐड करना है। एक कप में आपका लगभग 2 बड़े ग्लास पानी ऐड हो जाएगा, क्योंकि सूजी पानी एब्जॉर्ब करती है। अगर मोटी सूजी है थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा, यह आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लेना पड़ेगा। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए। एक बात बताऊँ, गुनगुना ही पानी ऐड करिएगा, कच्चा पानी मतलब ठंडा पानी या नॉर्मल पानी नहीं ऐड करना है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से सूजी पानी सबको मिक्स करना है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हमें ऐड करना है 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको हम ग्रेट करके ऐड करेंगे। हमें काटना नहीं है, पीसना नहीं है, कद्दूकस करके ही ऐड करिए। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। एक मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उपमे में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी को डालते ही देखिएगा, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और उपमे का जो टेस्ट है वो इंस्टेंट ही बढ़ जाएगा। तो देसी घी जरूर डालिएगा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करिए, जिससे आपके उपमे का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। लेमन जूस डालने के बाद हमें उपमा बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, क्योंकि लेमन जूस जब गर्म होता है तो वो कड़वा हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बस एक बार मिक्स करिए और गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद। हमारा उपमा बिल्कुल तैयार है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सर्व। तो इस तरीके से आप कर लीजिए सर्व। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर हिट करिएगा, और साथ में कमेंट पे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरा चैनल और मेरी रेसिपी। क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे पता चलता है कि क्या कमी है और क्या मुझे करना है। और देखिए इस तरीके से पीनट्स के साथ इसको आपको सर्व करना है। आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा अगर पसंद आई हो। और प्लीज़ 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 वो रेड वाला बटन जरूर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बगल में अगर बेल आइकन को हिट करेंगे तो आने वाली रेसिपीज आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू।